एवरीवन, आज मैं आप लोग से शेयर करने वाली हूँ चने दाल की सब्जी की रेसिपी। आप लोगों ने चना दाल का दाल खाया होगा, आज मैं चने दाल की रेसिपी सब्जी की शेयर करने वाली हूँ। तो उसके लिए देखिए, मैं यहाँ पे आलू कट कर ली हूँ, एक हरी मिर्च ली हूँ, टमाटर है, और ये आपका प्याज है, और आपका अदरक लहसुन का कद्दूकस कर ली हूँ, पेस्ट बना ली हूँ। तो ये हो चुका है, और ये है आपका चना दाल जो मैं 3 घंटे से इसको सोक करके रखी हूँ। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बनाना। बहुत इजी रेसिपी है, बहुत जल्दी बन जाता है, और बच्चों लोगों को तो बहुत पसंद आता है। सही बताओ तो मैं जब बच्ची थी मुझे तब से पसंद है, मेरा फेवरेट है। अगर आपके पास नारियल है तो आप लोग नारियल जरूर देना। मैं वाली हूँ सरसों का तेल, ऐड करने वाली हूँ। देखिए, लौंग, इलायची, ठीक है, फिर आपकी सूखी मिर्ची, तेज पत्ता, दालचीनी, ये सारा चीजें, ब्लैक पेपर, ये कर लेना है। फिर इसमें जाएगा आपका प्याज, अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसमें डालना है, अब डालूंगी मैं इसमें ये अदरक और लहसुन, ये मिर्ची दूंगी, अब अदरक और लहसुन ये डाल दी मैं इसमें। अब इसे अच्छे से मिक्स करना है। तब तक इसको पकाना है जब तक ये थोड़ा सा तेल ना छोड़ दे। उसके बाद इसमें हमें ऐड करना है टमाटर, फिर आपके पास सूखा मसाला, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, काश्मीरी लाल मिर्च, नमक, ये सारा ऐड करना है। यह है, अब मैं इसमें टमाटर ऐड करूंगी, इसमें धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, हल्दी, नमक स्वाद अनुसार, और अच्छे से मिक्स करना है। इसमें डालना है आलू, आलू डाल के अच्छे से मिक्स करना है। आलू को पहले से तेल में फ्राई करके निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें ज़्यादा ऑयली ऑयली हो जाता है और मैं ज़्यादा ऑयल खाती नहीं हूँ, इसलिए मैंने आलू को पहले से उबाला नहीं है, कच्चे आलू इसमें दे दी हूँ, ऐसे में भी टेस्ट नहीं लगता था। चना दाल देने की, अगर नारियल होता ना तो और अच्छा लगता, नारियल का एक अलग ही फ्लेवर आता है। ये देखिए अच्छे से फ्राई हो चुका है, अब मैं इसमें देने वाली हूँ पानी। ज्यादा पानी देना नहीं है, हम लोग सब्जी में जितना पानी रखते हैं ना, थोड़ा ग्रेवी ग्रेवी उस टाइप से होना है। अब सीटी लगाना है, 3 सीटी, और गैस को वैसे ही रहने देंगे सीटी के अंदर, अपने आप ठंडा होकर निकल जाएगा, फिर हमारा तैयार। और मैं शिमला मिर्च इसलिए नहीं दी क्योंकि मिर्ची, लाल मिर्ची हम लोग खाते नहीं है, और तेल भी बहुत कम ही खाते हैं, इसलिए अगर आपके पास है लाल मिर्च शिमला मिर्च तो आप लोग जरूर देना। जब तक चना दाल पके तब तक बना लेते बैगन भाजा। तो बैगन को मैं इस तरीके से गोल गोल कट कर ली हूँ, इसमें आपको डालना है नमक और हल्दी बस। अगर आपको मिर्ची पसंद है, तेजी मिर्च, लाल मिर्च आप डाल सकते हैं। मारो बैगन, ये आ गया सॉल्ट, या हल्दी, इसे मिक्स करिए। अगर हाथ से नहीं कर पा रहे ऐसा ऐसा करिएगा तो मिक्स हो जाएगा अच्छे से, मगर हाथ से करने से ज्यादा अच्छे से होता है। पैन है, अब इसमें मैं तेल दे देती हूँ। ये बैगन हमारा तैयार है, अब डाल देते हैं भाजा और दाल और चावल, ये आज बनने वाला है। और सरसों की पूरी बनाऊंगी, फिर मन नहीं किया और पूरी बनाने का, तो चावल बन जाएगा। अब यहाँ पे बनाऊंगी मैं रिशु के लिए परवल भाजा, क्योंकि बैगन भाजा रिशु को नहीं दूंगी, मुंह में छाले हैं ना तो खुजलाते हैं वो, तो रिशु परवल भाजा बहुत अच्छा खाती है, कम से कम 4 पीस ना वो चावल के साथ ही खा लेगी।
और मेरा नहीं, हर जितनी भी माँ है सब माँ का मोटो यही रहता है कि बच्चा कुछ खा ले। ऋषु अगर ये आटू परवल सब्जी भी खा लेगी ना, चावल भी थोड़ा कम खाएगी ना, तो भी मेरा मन संतुष्ट ही रहेगा। तो इसीलिए ज़्यादा करके भाजी परवल ऋषु के लिए। और देखिए चना दाल भी मेरा हो चुका है, इस तरीके से ग्रेवी ग्रेवी रहेगा, बहुत टेस्टी लगता है। मैं थोड़ा मसाला कम दी हूँ, आप लोग को पता होगा थोड़ा मसाले तिल कम ही खाती हूँ मैं, तो आप लोग थोड़ा ज़्यादा प्याज ज़्यादा लहसुन देके आप लोग पका सकती हो। इसमें थोड़ा सा कलर होता है ना लाल कलर, तो और अच्छा दिखता है। उसके लिए आपको कश्मीरी जो लाल मिर्च होता है वो आपको देना पड़ेगा। तो कम्प्लीट तरीके से अब मेरा तैयार हो चुका है सारा चीज़। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर आपसे भी ज़रूर